बागपत की बड़ौत कोतवाली पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब सूचना पर पुलिस ने एनसीआर समेत यूपी के कई जनपदों से वाहन चोरी करने वाले गैंग के 4 वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की 22 बाइक भी बरामद कर ली है। बरामद बाइक में 7 बाइक की जानकारी भी पुलिस ने लगा ली है कि ये बाइक किसकी थी और कहां से चुराई गई थी। पकड़ा गया गैंग अलग अलग जनपदों के साथ साथ हरियाणा और दिल्ली से बाइक्स चुरा कर उनको बेचने का काम करता था। पकड़े गए 4 युवक मुस्तकिम, शहजाद, अमीर और साजिद हैं, जिनमें से साजिद पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है और साजिद पर अलग अलग जनपदों में लगभग 5 मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए गिरोह से पुलिस को अहम जानकारी भी मिली है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की बारीकी से जांच की बात कर रही है। फिलहाल पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को जेल भेज दिया है और अन्य साथियों की तलाश में लगी हुई है। थाना बागपत क्षेत्र में 13 और 14 की इंटरवीनिंग नाइट को एक चोरी की घटना श्री सरफराज जी के घर में हुई थी, जिसमें काफ़ी मात्रा में ज्वेलरी और अन्य सामान गए थे, कैश भी गया था, जिसमें 40 तोले सोने, 2.5 किलो चांदी, एप्पल का आईपैड, 6 जेंट्स और 6 लेडीज़ घड़ियाँ, तमाम सामान इसमें गए थे और साथ ही साथ कैश गया था। इसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरा का पूरा गैंग पकड़ा गया है, जिसमें कुल 5 लोग हैं, एक अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है, 4 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं और इनके कब्जे से कंप्लीट माल की रिकवरी, कैश सिर्फ 13,500 रिकवर हो पाया, क्योंकि बाकी कैश इन्होंने इतने दिनों में खर्च किया है। इनका कहना है कि लगभग 65,000 कैश हमें मिला था, उसमें 13,500 रिकवर्ड है, परंतु उल्लेखनीय है कि 40 तोले सोने, 2.5 किलो चांदी, एप्पल का आईपैड, घड़ियाँ, सारे सामान जो है पुलिस टीम द्वारा रिकवर किए गए हैं। इनकी जो योजना थी वो ये थी कि अगर चोरी करते समय कोई व्यक्ति जाग जाता तो उसकी हत्या करने से भी ये पीछे नहीं हटते। काफ़ी देर ये लोग घर में रहे हैं, वहाँ पे उल्लेखनीय है कि खाना बनाकर भी इन लोगों ने खाया है और इस तरह से एक अत्यंती दुस्साहसिक घटना की है, परंतु सीओ बड़ौत के नेतृत्व में और मिस्टर आरके सिंह जो इंस्पेक्टर बड़ौत हैं, इनकी पूरी टीम ने अत्यंत ही सराहनीय कार्य करते हुए इस पूरी घटना का अनावरण किया, मुलजिमों को पकड़ा और साथ ही साथ कंप्लीट माल की रिकवरी की। काफ़ी कम उम्र नज़र आ रही है इनकी, क्या पहले भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है इनका? इस थाने में इनका आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, हम अन्य जनपदों से, जनपद के अन्य थानों से भी इनके बारे में पता लगा रहे हैं।